ये सब लोग भगवान रघुवीर के बाण का शिकार होने वाले हैं और परम गति को पाने वाले। त्यागी गति बेहद ही सही। हनुमान जी ने देखा, पूरे वर पूरे रखवारे देखी सब, पूरा कोट दुर्ग जेड प्लस कैटेगरी से, जब से सीता अंबा को लाया गया सिक्योरिटी हाँ आई अलर्ट पे, पूरे रखवारे देखी बहुत रखवारे देखे तो कभी मन किन विचार, कभी ने अपने मन में विचार किया कि अभी बड़े बन के जाने में मजा नहीं। अति लघु रूप धरो निसी नगर करूं पैसा, नगर में पैसा प्रसार करना है, नगर में घुसना है बैठना है, मगर ताम जाम के साथ नहीं जाना है, छोटा रूप लेकर जाइए। यदि आपको भक्ति को ढूंढना है, सीता को ढूंढना है, शक्ति को ढूंढना है, तो मैं करते हुए आप नहीं जा सकते। खुद का अस्तित्व खत्म करना होगा, तब भक्ति की प्राप्ति होती है, भगवती की प्राप्ति होती है। जब तक व्यक्ति हुंकार में रहता है, आय को पकड़ के रखता है, तब तक उसको भक्ति प्राप्त नहीं होती। हनुमान जी ने अपने स्वरूप को छोड़ दिया, जो बानर का रूप था उसको त्याग कर दिया और सबसे छोटा स्वरूप मच्छर का स्वरूप लिया। मशक समान रूप कपी धरी, सेकंड एंट्री। पहले क्या बोले थे, हृदय राखी, रघुनाथ को हृदय में रखकर आप जाइए। हनुमान जी ने कहा ना, जामवंत जी ने कहा कि आप चले हर्ष ही धरी रघुनाथ, हृदय में रघुनाथ को धारण करके आप जाइए। अब ये सेकंड एक पड़ाव खत्म हो गया, दूसरा बारी आ गई, तो वहां स्वरूप बदल गया। ये उड़े थे तब बानर के रूप में उड़े थे, अभी स्वरूप बदल गया मशक समान, तो योनि बदल गई। लंक ही चले सुमिरी नरहरी, पुनः नरहरी भगवान राम का स्मरण किया, मगर यहां हनुमान जी पकड़े गए। लंका की हेड ऑफ दी डिपार्टमेंट, ऐसी सिक्योरिटी हेड थी, उसका नाम था लंकिनी। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सी मोहिनिंदरी, जाने ही नहीं मरम सठ मोरा। पकड़ लिया हाथ में, हे सठ तू मेरे बारे में नहीं जानता, अनऑथोराइज एंट्री को मैं खा जाता हूं। लंकिनी बोलती है मेरा खोराक होता है, मोर आहार जहां लगी चोरा, जो चोरी से प्रवेश करते हैं उसको मैं ग्रसित कर जाता हूं। अभी हनुमान जी महाराज निकले, जैसे निकला वो मैनाक आया, मैनाक से निपटा तो वो सुरसा आई, सुरसा से निपटे तो भी वो माया भी आई, तो हनुमान जी बड़े परेशान थे। अभी तो मैं पहुंच रहा हूं तो ये सब ऊपरा ऊपरी आ रहे, अभी बात नहीं करना है। हनुमान जी मौन हो गए। मुट्ठी का एक बात नहीं की, एक मुट्ठी का मारी, महाकपि हनी रुधिर बमत धरनी ठन मनी, एक मुष्टिका का प्रहार किया, वो लंकिनी गिर गई और मुख से लहू निकल गया। और कई बार ऐसा होता है हमारे साथ भी, दो चार शादी पार्टी में वगैरह गए होते हैं और चांदला करते हैं तो खाना पड़ता है, चांदला वसूल करने के लिए खा लेते हैं कि कवर दिया तो कुछ खा ले, तो एक दिन में वीकेंड में या तो सब कुछ होता है,
तीन जगह में जाना होता है, एक जगह पानीपुरी, एक जगह श्रीखंड खाते, फिर बाद में और कुछ लपेटते, यानी कि कॉन्ट्रोवर्सी अंदर हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि ऐसा लगे कि वॉमिट हो जाए तो अच्छा, एक बार निकल जाए ना और चक्कर आता है, फिर वो उल्टी हो जाती है, और उल्टी होने के बाद अच्छा फिर होता है, फिर गुड, चारों का कचरा। तो लंकिनी को जैसे हनुमान जी ने मुठिका का प्रहार किया, स्पर्श किया, उसको लहू का वॉमिट हो गया, उल्टी हो गई। रुधिर बमत धरनी ठनमन, अपने को याद करके फिर से खड़ी हुई, थोड़ा चक्कर आ रहा था मगर फिर भी खड़ी हुई, और देखा तो पहले जो बांदर दिखता था, वानर दिखता था, वो आज सदगुरु दिखने लगा। ये सदगुरु के वरदहस्त का प्रभाव है। काक होई पिक बकऊ मराला, सदगुरु का वरदहस्त का वश हो जाए तो हमारी दृष्टि बदल जाती है। यहां लंकिनी की दृष्टि बदल गई। पहले जो मारामारी करने की बात कर दी, मैं आपको खा जाऊंगी, जैसे लहू निकल गया, वॉमिट हो गई, खड़ी हुई तो दो हाथ जोड़ के खड़ी हुई, कैसे, जोरी पानी, पानी अर्थात हाथ, हाथ जोड़ी, कर विनय सशंका, पहले जो उद्धतता से बात कर रही थी आज विनय से बात करने लगी, और उसको कुछ याद आ गया। संत का दर्शन हो जाए, संत का वरदहस्त मिल जाए, तो हमें याद आ जाता है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है। दुर्लभम त्रयमेव तत् देवानुग्रह कारकम, मुमुक्षुत्वम, मनुष्यत्वम और महापुरुष संगमम। मैं कौन हूं, कहां से आया और कहां जाना है, इतना प्रश्न हो जाएगा फिर आप बैठ नहीं पाओगे, उसका जवाब ढूंढने के लिए निकल पड़ोगे। यहां लंकिनी सोचने लगी तो उसको याद आया कि मैं राक्षसाणी नहीं हूं। जब रावण ही ब्रह्म वरदिना, ब्रह्मा जी ने जब रावण को वरदान दिया था और मुझे श्राप दिया था, तब मैंने प्रभु ब्रह्मा को पूछा था, वरदान लेके जा रहे थे तब मैंने पूछा कि महात्मा जी, ये रावण का तो राम उद्धार करेंगे मगर मेरी मुक्ति कब होगी। चलत बिरंची कहां मोहि चिन्ह, वो बिरंची ब्रह्मा जी जब जा रहे थे तब मुझे एक साइन बताया था, चिन्ह बताया था कि ऐसा तेरे साथ होगा तो समझ रहा कि तेरी मुक्ति और रावण की भी मुक्ति नक्की है। क्या सिम्टम, बिकल होशिते कपी के मारे, तू विकराल राक्षसाणी है मगर तुझे कपी यानी कि वानर मारे और तू विकल हो जाए, विह्वल हो जाए, तब जाने सु निशिशर संधारे, तब जान लेना कि ये रावण मरने वाला है। अब समझ गई कि मेरा तो उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। तात भोर अति पुण्य भूता, हे हनुमान जी महाराज, मेरे जन्म जन्मांतर के पुण्य के उदय हुए हैं क्योंकि देखे नयन राम कर दूत, मेरे इस आंख से मैं प्रभु राम के अनन्य सेवक को देख रहा हूं, और हमारे नयन की धन्यता तब है, हमारे नयन धन्य तब है जब हम भगवान कब मिलेगी पता नहीं सा। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहीं आवत ना, पता नहीं राम आएगी कि नहीं, मगर यहां कहा कि राम का भगत मिले तो उसका पैर पकड़ लो सा, और जो भगत का पैर पकड़ता है उसकी मुक्ति पहले होती, भगत की बाद में होती। उसका उदाहरण मैं आपको दे दूं, गजेंद्र मोक्ष की कथा आपने सुनी होगी, भागवत की वार्ता है। गजेंद्र नाम का हाथी था, जानते, वो अपने परिवार के साथ तालाब में स्नान कर रहा था मगर अंदर से मगरमच्छ ने
उस हाथी को पकड़ लिया। काफी यत्न किया, काफी प्रयास किया, मेहनत किया, मगर हाथी बहुत शक्तिशाली, मगर उसकी शक्ति जमीन के ऊपर है, पानी में उसकी शक्ति नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता हाथी मगर से खींचा जा रहा है। उनके परिवार ने बहुत प्रयास किया, मगर जब सोचा परिवार ने कि अभी तो जाएगा, आईसीयू में चला गया, अभी क्या होगा, चलो। व्यक्ति के ऊपर पूरा संसार होता है, मगर जैसे वो कोमा में चला जाता है, परिवार सब तैयारी में लग जाते हैं, तो गया क्या करेंगे, ये करेंगे। ये दुनिया की वास्तविकता है। जिस कोठी को, जिस घर को हम बड़े शान से, बड़े शान और शक्कत से बनाते हैं, साहब मरने के बाद एक रात्रि लोग वहां नहीं रखते, उसको ले जाओ काढ़ो। और किसी को फोन करके फलाने ढीम के भाई चले गए, तो सामने से दूसरा प्रश्न क्या आएगा, गार्बेज कब करने का है। सीधी भाषा, स्मशान यात्रा, फ्यूनरल कब है, फ्यूनरल में क्या होता है, पांच भूत में शरीर को मिलाने की प्रक्रिया। तो यहां भगवती लंकिनी कहती है कि मेरे बड़े भाग्य है कि इस नयन से मैं प्रभु आपका दर्शन करूं। अब लंकिनी बोलती, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धर्य तुला एक अंग, तुलन ताही सकल मिले जो सुख लब सतसंग, प्रभसी नगर की जे सबका जा हृदय राखी कौशलपुर, गरल सुधारी पुकार हिमिता गरुड़ सुमेरु रेन समता, ही राम कृपा कर चितवा अतिलघु रूप धरहु हनुमान, पैठा नगर सुमिरि भगवान, मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयु दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई, सयन किए देखा कपिते, मंदिर महुन दिखी बैदे, पवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तहा भिन्न बनावा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ मंगल भवन अमंगल हारी, जपत निरंतर शंभु भवानी। मुझे जो पसंद है सुंदरकांड में से दो चार चौपाइयां, मेरी प्रिय चौपाई है, इनमें से एक दोहा यहां पर, कई बार गलत लोग अच्छा स्टेटमेंट देते हैं तो उनको कोई नोटिस नहीं करते। व्यक्ति बदमाश है, कितना भी अच्छा क्यों ना बोले, समाज उसको नोटिस नहीं करता। रामायण की अच्छी बहुत बढ़िया चौपाई आपको आती भी होगी, मैं कहूंगा तुम कि राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि ही समर्पित बिनु सत कर्मा। नीति वगैरह का राज्य व्यर्थ है, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, धर्म के बगैर का धन व्यर्थ है, और हरि को समर्पित किए बगैर का सत्कर्म व्यर्थ है। बोलती कौन है मालूम, ये शब्द किसके है और किसके सामने कहा गया, शूर्पणखा ने रावण को कहा, ए रावण राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा,
हरि ही समर्पित बिनु सत्कर्म। बोलने वाली राक्षसानी, सुनने वाला बड़ा राक्षस, किसी ने नोटिस नहीं किया साहब, मगर यहां हनुमान जी के सन्मुख लंकिनी बोलती है कि महाराज जी आपने मेरे ज्ञान चक्षु को खोल दिया, आपने मुझ पर कृपा की, आपने मेरे द्वार खोल दिए। दोहा नंबर चार पे आए हुए, लंकिनी बोलती कि हनुमान जी महाराज ऐसा कीजिए, मेरे साथ सत्संग कीजिए, कथा कीजिए। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैं कोई कथागत हूं, तो कहना आप कुछ भी कीजिए, थोड़ा तो थोड़ा मगर सत्संग कीजिए। हनुमान जी ने कहा आप राक्षसानी, मैं बंदर, ये कोई जमता नहीं है, न तो आप श्रोता है, न तो मैं भक्ता हूं, मैं मुझे नहीं करना, और मुझे भगवती सीता अम्मा को ढूंढना है।